हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं। सभी स्टूडेंट हमसे, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिन से बोल रहे हैं कि सर, लोको पायलट के लिए आप एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, प्लीज़ मुझे मोटिवेशन की बेहद ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट जो कि हमें बोलते हैं कि सर, आप मोटिवेशन बहुत अच्छा करते हो, मोटिवेट अच्छा करते हो। तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, बस रियलिटी को जानिए और अपने चीज़ों, अपने लाइफ से निगेटिव चीज़ों को दूर रखिए, किसी चीज़ पे बस फोकस कीजिए, वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो इसी में चार पांच टॉपिक हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन क्या है और ये प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की लोको पायलट बनने के लिए। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपके पास लोको पायलट बनने के लिए जो जो जरूरी योग्यता है, अगर आपके पास वो योग्यता ही नहीं है तो फिर मोटिवेशन का क्या करिएगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास योग्यता, सब कुछ आपके पास पूरा है, या फिर अगर आप पूरा करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोको पायलट बस बनते रहे। आपके पास योग्यता आ गई है, योग्यता में नॉर्मली बताते हैं आपका मैट्रिक पास होना बेहद जरूरी है, उसमें एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक भी, कोई भी एक चाहिए। इसके बाद आप लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल है, फॉर्म आप डाल सकते हैं। उम्र चाहिए 18 से लेकर के 30 साल के बीच में, और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी को 5 साल छूट मिलती है, ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो योग्यता आपके पास पूरा हो चुका है। दूसरी जो चीज़ होती है वो है आपका पढ़ाई लिखाई, आप तैयारी कैसे कीजिएगा। एग्जाम होती है, इसमें 3 एग्जाम होती है और तीनों एग्जाम की तैयारी करिएगा कैसे। आपको पढ़ाई करने, तैयारी के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी और नंबर आपको लाना है, एग्जाम में आपको नंबर लाना है। तो आपका मेरिट कैसे बनेगा, आप हो सकता है 2 बार पीछे मतलब छट गए होंगे, आपका रिजल्ट आया ही नहीं, तो इस बार आप रिजल्ट कैसे ला पाइएगा, तो इसके लिए सोचिए। आप ये सोच के चले कि हमें तैयारी चाहिए 75%, 75% में आपका रिजल्ट होगा। और ये 75% नंबर आपका कैसे आएगा, कौन सा किताब पढ़िएगा, कौन सा कोचिंग में पढ़िएगा और डेली का कितना घंटे पढ़ाई कीजिएगा, इस पर डिपेंड करता है। तीसरी जो चीज़ है, आपको निगेटिविटी से आपको बच के रहना होगा। निगेटिव चीज़ है आपके आसपास क्या सब चीज़ निगेटिव होती है, पढ़ाई करने जाते हैं, आपको पढ़ाई करने मन नहीं लगता, किसी लड़की याद आता है, ये सब उम्र में काफ़ी आम बात है, कॉमन सी चीज़ है, हम भी उस उम्र से गुजरे हैं। तो इस चीज़ को आपको दूर करना होगा। आप ये सोचिए कि हम मतलब कि पढ़ाई करेंगे, हम नौकरी करेंगे, तभी तो हम किसी को अपना बना सकते हैं, हमारे पास वो योग्यता आएगी, हम अपने पैर पे खड़े होंगे, तभी तो किसी को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो इस चीज़ से उसको बस थोड़ा सा दूर करिए, पूरा दूर करने के लिए नहीं बोल रहे, बस थोड़ा सा दूर करिए कम से कम पढ़ाई का समय, और फिर आप पढ़ाई को पूरा करिए, जो भी चीज़ पढ़ाई करिए उस पर फोकस करके पूरा पूरा कंप्लीट कीजिए, यानी कि निगेटिव चीज़ों से आप लोग दूर रहिए, निगेटिव चीज़ से आप लोग बहुत दूर रहिए। और आप अब देखिए, जैसे कि एक तो हो गया पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में आपका फोकस हो ही नहीं पाता, तो इस फोकस से बचने के लिए, मतलब कि आपका फोकस कैसे हो जाए, तो इसके लिए क्या सब चीज़ आपको नहीं होती, जैसे कि दोस्त आपका डिस्टर्बेंस है, जैसे कि पढ़ाई करने के लिए बच्चे, अरे चलना यार घूमने के लिए, तो बहुत सारे के घर में इस तरह की चीज़ होती है, दोस्तों लेके जाते हैं, उसको मना भी नहीं कर पाते, या फिर माहौल ऐसा नहीं हो पाता है कि घर में यार हो हल्ला हो रहा है, बगल के कमरे में कोई हो रहा है, और हमारे पास रहने की जगह नहीं है, तो देखिए ये कोई कारण हो नहीं सकती, यही एक बहुत बड़ी कारण हो सकती है आपको पढ़ाई करने के लिए। देखिए अगर आप शोरगुल में अगर पढ़ाई नहीं कर पाइएगा ना, तो आपको कितना भी शांत जगह क्यों ना दिया जाए, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। क्या है कि एक एग्जांपल समझते हैं, बगल में डीजे भी बजा देगा ना मेरे, और हम मुझे पढ़ना होगा तो हम बिल्कुल पढ़ाई कर लेंगे और बिल्कुल शांति से पढ़ाई कर लेंगे। तो पढ़ाई करने के लिए आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, आपका फोकस अगर किताब में होगा, आपका फोकस अगर क्वेश्चन में होगा, लिखने में होगा, तो बगल में कितना भी कोई शोरगुल करे, कोई कितना भी हल्ला कर ले, शोर मचा ले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। दूसरी जो अगली जो चीज़ है, निगेटिविटी से अपने खुद की निगेटिविटी जो है, आप हमेशा निगेटिव रहते हैं, यार मेरे पास वो हो जाता तो हम पढ़ाई कर लेते हैं, मेरे पास वो हो जाता तब पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास वो चीज़ हो भी जाएगा ना, तब भी आप नहीं पढ़ाई कीजिएगा। तो पढ़ाई करने के लिए क्या जरूरी है, बस आपका फोकस रखना बेहद जरूरी है। जो निगेटिविटी है, आपके पास घर छोटा है तो वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि यार मेरे पास बहुत छोटा घर है, हम नौकरी करेंगे तब इस घर को बहुत बड़ा सा घर बना पाएंगे, और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन वाली चीज़ होगी आपके लिए। क्योंकि जब भी आपको छोटा घर का याद आएगा तो आप सोचिए कि यार मुझे इस छोटा घर को बहुत बड़ा करना है। हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, हमारी माँ चूल्हे पे खाना बनाती है और हमारे लिए बहुत सारा कष्ट करती है, इस चीज़ से बचने के लिए हमें बस नौकरी करनी ही करनी है। और एक बार देखिए, आप तैयारी कर लेंगे ना, तो कोई ना कोई नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। हो सकता है आपको लोको पायलट नहीं मिल पाए, लेकिन अगर आपका लोको पायलट पैशन होगा, आपका लोको पायलट फोकस होगा, तो आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप बन पाइएगा। उसके बाद अगली जो चीज़ है,
एक ऐसी घटना को आप याद रखिए हमेशा, आपके लाइफ का एक ऐसी घटना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक ऐसी घटना आप हमेशा याद रखिए। जैसे कि कोई आपको इंसल्ट किया है, कोई आपका इंसल्ट किया है कि आप यार तुम लोकपाल नहीं बन सकता, या फिर तुमको कोई नौकरी हो ही नहीं सकता, या फिर तुम पढ़ाई करना ज्यादा कमजोर हो, तुमको कैसे हो पाएगा। तो इस चीज को याद रखिए, ऐसा देखिए दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं, बस यू कैन डू इट, आप बिल्कुल कर सकते हो और आप मेहनत करिएगा तो बिल्कुल करिएगा। विराट कोहली को आप बॉलिंग करने के लिए दीजिएगा तो क्या बॉलिंग कर पाएंगे वो? नहीं। विराट कोहली जिस चीज में स्पेशल है वही उसको करना है, अगर वो चाहे तो बॉलिंग में भी फोकस करें तो बॉलिंग में भी काफी बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे क्या काम करेगा आपका मेहनत, आपका टैलेंट, ये सब चीजें। तो आप मतलब अपने लाइफ में ना मतलब ये अपने आप को एबल बनाइए, आप अपने आप को योग्य बनाइए उस चीज के, और उसके बाद जब आप योग बन जाइए तो फिर आपको गद्दी मिल जाएगी मिर्जापुर की, आपने देखा हो ना मिर्जापुर। तो अपने आप को योग्य बनाइए, और योग्य बनने के लिए आपको पढ़ाई करना बेहद जरूरी है, और निगेटिव चीज को अपने माइंड में आने ही मत दीजिए। अगर आप निगेटिव चीज आपके मन में आ भी जाती है ना, जो लोग आपको इंसल्ट करते हैं ना, उस चीज को हमेशा आप याद रखिए, पढ़ाई समय और उसने मेरा इंसल्ट किया, रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। ये तो रही बात, एक आप पॉजिटिव चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि आप लोको पायलट क्यों बनना चाहते हैं। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि हम लोको पायलट ही क्यों बनना चाहते हैं। दुनिया में बहुत सारी तो जॉब है, आप वो चीज को क्यों नहीं करना चाहते, बस लोको पायलट ही क्यों चाहिए। तो जैसे हम अपनी बात बता रहे, जैसे जब हम बचपन में जाते थे, अभी तो खैर मेरा खुद का लोको पायलट बनने में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, बस बनाने में इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है कि हमारे यहाँ से हजारों बच्चे लोको पायलट बन जाए। अब तक बहुत सारे बन भी चुके हैं, हमें फॉलो किए हैं तो रिजल्ट भी आ चुका है, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, और हम भी कोशिश करते हैं हमारे चैनल पे जितने भी सारे लोग जुड़े हुए 136,000 सबके सब लोको पायलट के लिए आए, एग्जाम दे और काफी अच्छा रिजल्ट ले करके जाए, भले वो नहीं बन पाए लेकिन एक दो एग्जाम तो निकाल के ही जाए। और हमारा गाइडेंस सभी लोगों को काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल चीज बताते हैं, हम खुद दो बार निकाल चुके हैं, उस अपना वो एक्सपीरियंस बताते हैं। तो एक हम अपनी बात बताते हैं, जब हम जाते थे अपने मतलब कि नजदीकी स्टेशन, कभी कभी हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे ट्रेन का घूमती होता है, रेलवे क्रॉसिंग होता है, तो वहाँ पे मतलब कि जब फाटक गिरी होती थी ना तब तो वहाँ पे रुकना ही रुकना है, और जब हम जाते साइकिल जाते थे या कहीं पैदल जाते थे तो कभी कभी फाटक नहीं भी रहता, नहीं गिरा हुआ फाटक खुला है, हम जाते चल जाते फिर आ भी जाते, नहीं फिर भी हम रुकते थे, 2-3 गाड़ी रेलगाड़ी को देख के जाते थे और देखते कि ट्रेन कैसे चल रही है, कौन इसको चला रहा है, हो सकता है क्या हम चला पाएंगे इसको। उस समय बहुत बच्चे थे, लगभग 7-8 साल के होंगे, जबकि 7 से लेकर 12-13 साल तक हम ऐसा किए थे, उसके बाद तो फिर दुनिया ही बदल गई। तो हम ऐसा किए थे, हो सकता है आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हो। तो आप जैसे कि बहुत सारे लोगों का स्टेटस हम देखते हैं कि वो लोको पायलट का डीपी लगाएंगे, लोको पायलट का मतलब कि स्टेटस डालेंगे, लोको पायलट से तरह तरह के मतलब वीडियो एडिट करके डालेंगे। तो ये सब होता है कि ये सब चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि लोको पायलट बने, लेकिन अब सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, बस आपको क्या पढ़ाई में फोकस कीजिए। 3 एग्जाम होती है, CBT 1, CBT 2, CBT 3, ये सब चीज़ें। और उस पर एक आपको हम बता रहे हैं, अजब गजब लव एक फिल्म है, और जिसमें कि हीरो एक डायलॉग देता है कि गरीबी की जंजीर को तोड़ने का एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। और हम बोलते हैं आपको गरीबी की जंजीर को तोड़ने का एक ही रास्ता है, वो है आपकी नौकरी। आप नौकरी की जगह तभी आपके परिवार की स्थिति बदलेगी। अगर आपकी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है फिर भी लोग चाहते हैं नौकरी करें, हमारा बेटा सेटल हो जाए, या फिर खुद आप सेटल होना चाहते हैं, या फिर लोको पायलट बस चलाना है किसी भी तरह से, तो बस आप फोकस कर जाइए, एग्जाम पास करिए, एग्जाम बहुत कुछ नहीं है। और एग्जाम पास करने के लिए आपको जो भी चीज़ चाहिए पढ़ाई से संबंधित, आपको हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे या फिर आप मेरे यहाँ पर डायरेक्टली भी आके पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ आपको करवा देंगे। आपको जितना भी सारा किताब होता है, नोट्स होता है, वीडियो कोचिंग होता है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस छोटी सी हमारी कोचिंग का फीस है, उस कोचिंग की फीस को भरिए, हमारे कस्टमर केयर में बात कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नंबर मिलेगा, वहाँ से आप बात कीजिए और बिल्कुल आप लोको पायलट बन पाएगा। हम देखिए खुद 2 बार मतलब कि बन करके छोड़ चुके हैं, तो सोचिए आप ये कि जब हम 2 बार बन के छोड़ चुके हैं तो क्या आप एक बार बनना ईजी होगा या बहुत आसान होगा। क्योंकि जब हमारी उम्र 18 साल थी तब तो हम लोको पायलट पहली बार बने थे, और पहली प्रयास में ही बने थे, और आरआर भी मुजफ्फरपुर से बने थे। क्योंकि देखिएगा आप रेलवे में अभी तो खैर सब जगह के स्टूडेंट की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन 2014 से पहले या 2010 से पहले मैक्सिमम जगह पे देखे थे बिहार के ज़्यादा स्टूडेंट आते थे रेलवे में सेलेक्ट होकर। लेकिन हम भी बिहार से हैं, तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जितने भी आसपास के स्टूडेंट होते थे वो सबसे पहले वो साउथ इंडिया में जाके फॉर्म भरते थे, गुजरात महाराष्ट्र में जाके फॉर्म भरते थे, गुवाहाटी में जाके फॉर्म भरते थे, लखनऊ में, या फिर मतलब कि दूर दूर जाकर के फॉर्म भरते थे, और अपना घर में, अपना बिहार में, अपना पटना में और मुजफ्फरपुर बोर्ड में कोई भी फॉर्म नहीं भरता था डर के मारे कि यहाँ का कट ऑफ ज़्यादा आता है, मेरा यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन वही स्टूडेंट जब एक बार कहीं बाहर सेटल हो गया, सिकंदराबाद उसका रिजल्ट हो गया, फिर दोबारा में पटना भरेगा, मुजफ्फरपुर भरेगा, उसका सोचे कि चलो हम अब घर आ जाते हैं।
लेकिन हम ऐसा देखते थे स्टूडेंट को कि अच्छा तैयारी है और फिर वो दूसरी जगह फॉर्म भर के पहली बार वहां पास करता था, उसके बाद फिर उसको अपने घर में फॉर्म भरने की हिम्मत जुटवा देते। तो हम बोले हम कम से कम ऐसा नहीं करेंगे और हम घर में रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे, हम अपने घर में मुजफ्फरपुर में या पटना में, पटना बोर्ड या मुजफ्फरपुर बोर्ड में हम रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे आप लोगों को और हमारे साथ जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको। और हमारा 18 साल की उम्र में ही 18.5 साल की उम्र था उससे हम निकाले थे। तो हम एक चीज और देखते थे कि स्टूडेंट जो है पहले वो तैयारी करना शुरू किया, ग्रेजुएशन पास हो गया, उसका तैयारी करना शुरू हो गया। वैसे लोको पॉलिटिकल आईटीआई जरूरी है एक, मतलब कि पढ़ाई करने का शुरुआत बता रहे हैं। ग्रेजुएशन जब स्टूडेंट पास करता था उसके बाद वो तैयारी करना शुरू करता था, उसका फिर 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल तक वो पटना में जाकर तैयारी करता, तब जाए कहीं एक रिजल्ट निकलता, 3-4 बार वो फेल होता था, उससे उसको जानकारी मिलती थी। तो एक गलत भावना बैठ गई थी स्टूडेंट के मन में कि मेरा एक बार में रिजल्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि सबसे पहली अटेम्प्ट में रिजल्ट निकाले थे, सब कुछ साइको टेस्ट वगैरह सब कुछ, और उस पर खुद से तैयारी किए थे, कोई कोचिंग वगैरह हम कहीं नहीं किए थे और खुद का गाइडेंस दिए थे। जब इतना बड़ा बीड़ा हम उठाए खुद के लिए और हम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते भी रहे और साथ ही साथ हम रेलवे एग्जाम को भी पास किए थे, तो हम अपने आप में एक मोटिवेशन बनाए लोगों के लिए कि हम खुद 2 बार निकाल चुके हैं, 18 साल को हम निकाले हैं और हम अपना मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा टफ बोर्ड जो होता है मुजफ्फरपुर वहां से हम रिजल्ट निकाले, एक नहीं 2-2 बार निकाले। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझसे गाइडेंस लीजिए और आप लोको पायलट बिल्कुल बन जाइए, हम आपको बनाएंगे लोको पायलट। आपको कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं, कोई भी गाइडेंस नहीं, कोई भी किताब नहीं, कोई भी कोचिंग नहीं, फिर भी आप लोको पायलट बन पाए बिल्कुल घर बैठे। और तैयारी कैसे करना है, CBT 1, CBT 2 और CBT 3, हमारे साइको टेस्ट में जितने भी सारे स्टूडेंट पास हुए हैं सबको मैंने एक टिप्स दिया था साइको टेस्ट के लिए। वो टिप्स क्या है, आप साइको टेस्ट को पास करने काला जादू एक वीडियो मैंने बनाया था उससे 3 साल पहले, उस वीडियो को जाकर देखिए, उस वीडियो में वो सीक्रेट बात है जो कि मैंने वहां पे बताया था कि इस चीज को बस फॉलो कीजिए आप लोगों को पॉइंट बिल्कुल बन जाएगा। हमने सीखा था पाटलिपुत्रा कोचिंग में बीके सिंह सर से जो कि उपकार प्रकाशन का साइको टेस्ट का किताब लिखे हैं। हम 7 दिन का क्लास था, 5 दिन क्लास किए थे साइको टेस्ट का पटना पाटलिपुत्रा कोचिंग में, तो वहां से बीके सिंह सर से हम पढ़े थे और उन्होंने जो चीज बताया था हम अपना नियम लगा करके हम साइको टेस्ट पास किए थे। तो उस चीज को हमने वहां बताया और स्टूडेंट ने उस चीज को फॉलो किया और देश के बहुत सारे स्टूडेंट उस वीडियो पे काफी अच्छा व्यूज भी मिला है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी स्टूडेंट का कि हाँ यार मतलब कि मैं बिल्कुल बन पाया हूँ और इस चीज को मैंने फॉलो किया, मैंने साइको टेस्ट को पास किया। और जो भी स्टूडेंट बनते हैं हम उससे बात करते हैं, बोलते हैं कि सर आपका जो एक काला जादू नाम का एक वीडियो बनाया था ना साइको टेस्ट पास करने का, वो वीडियो हमें बहुत हेल्प किया मैं साइको टेस्ट को पास करने के लिए। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट साइको टेस्ट को पास किए हैं हमारा सिर्फ और सिर्फ टिप्स को फॉलो करके, बस एक छोटा सा टिप्स था उसको फॉलो करके। जाके वीडियो देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा, वो वीडियो क्वालिटी बहुत ही डाउन है लेकिन बस आप कंटेंट से मतलब रखिए। तो अपने आप में आप भी अपने आप में एक मोटिवेशन बनिए लोगों के लिए, आप अपने आप में एक मोटिवेशन बनिए लोगों के लिए। आपको खुद से मतलब किसी और का मोटिवेशन लेने से बेहतर है आप खुद अपने आप में एक मोटिवेशन बनिए। आपके लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आया होगा जब आप अपने क्लास में सबसे बेस्ट रहे होंगे, जब आप अपने क्लास में सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगे, उस मोमेंट को याद रखिए। जब आप एक दिन वैसा कर सकते हैं तो आप हजारों दिन वैसा कर सकते हैं, आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। और रिजल्ट निकालने के लिए 75% अगर आप नंबर लाते हैं किसी भी टेस्ट में तो आप सोचिए आपका रिजल्ट 100% कन्फर्म है। आप अगर 60% लाते हैं तो 75% कन्फर्म है, अगर आप 50% नंबर लाते हैं तो आपका 50% कन्फर्म है। जबकि रिजल्ट जो है आज से 10 साल पहले 35%, 37%, 40% पे भी रिजल्ट हो जाती थी। लेकिन आपको क्या करना है, आप भारी मत समझिए, कोई भी चीज़ भारी नहीं है, आप एक बार बस पढ़ाई करिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, इस चीज़ को हम पार्ट वन में रखते हैं हम, क्योंकि मैंने इस वीडियो को कोई भी मैंने पहले सोच के लिए रखा था कि इस वीडियो में जाकर क्या बोलना है नहीं बोलना है। मोटिवेशन मतलब क्या, मोटिवेशन लोग अपने आप में मोटिवेट रहते हैं और डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा रहते हैं निगेटिव चीज़ों से, लोग बोलते हैं कि या तुम नहीं हो पाएगा या तुम्हारा मतलब ये नहीं है वो नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, उस चीज़ को साइड कीजिए, अपने आप में फोकस कीजिए लोको पायलट पे, लोको पायलट के सिलेबस पे पैटर्न को फॉलो कीजिए, सही चीज़ को पढ़िए, आप टाइमिंग को ध्यान में रखिए और आप एग्जाम में बिल्कुल निकाल जाएगा। अभी देखिए बहुत सारे लोग अभी डीमोटिवेट करेंगे आपके कि रेलवे प्राइवेट हो गया तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम कैसे बन पाओगे, आपका 3-4 साल का मेहनत बेकार गया, जबकि ये बात पूरी तरह सच नहीं है। कितना भी रेलवे प्राइवेट हो जाए लेकिन आपका जो जॉब जो है ना वो सरकारी ही रहेगा, सब देश रहेगा सरकारी। ये निगेटिविटी मार्केट में फैली हुई है कि जो नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं
या मतलब निगेटिव, बहुत सारे लोगों को निगेटिव चीज फैलाने में बहुत मजा आता है, या बहुत सारे लोग मतलब पूरा बात को नहीं जानते और बस फैलाते जाते हैं, तुम्हारा नहीं रेलवे प्राइवेट हो गया, क्या पढ़ रहे हो रेलवे प्राइवेट हो गया, क्या प्राइवेट हो गया, कुछ नहीं प्राइवेट हो गया, कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा। देखिए हमारी सिस्टर गुजरात में नौकरी करती है, वो ट्रैक पे जाती है काम करने के, रेलवे ट्रैक मैन में है, अभी उसका प्रमोशन हो गया, कुछ और पोस्ट पे चली गई है, लेकिन जब वो बोलती थी कि ट्रैक पर जाते थे हम काम करने के लिए, तो वहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट वालों का, कॉन्ट्रैक्ट वालों का भी वहाँ पे काम होता था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग काम करते थे, उसको 7,000 8,000 का महीना मिलता था, वो लोग बिल्कुल लापरवाही से काम करते थे, उसको नौकरी जाने का कोई गम ही नहीं था, भले काम अच्छा हो ना हो, पटरी टेढ़ा रह जाए, पटरी का जोड़ ठीक से जुड़ा या ना जुड़ा, उसको कोई मतलब नहीं। मेन जिम्मेवारी किसकी थी, जिसका सरकारी नौकरी था उसकी मेन जिम्मेवारी थी कि काम सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो रेलवे को भी पता है कि कितना भी प्राइवेट कर ले, काम सरकारी ही करेगा अच्छा से, नहीं तो फिर ट्रेन एक्सीडेंट होगा ही होगा, वहां पे इंजीनियर हमेशा रहना ही रहना है, क्योंकि उस चीज को देखने के लिए, और जिसके पास जिम्मेवारी रहेगी वही काम को सही कर सकता है, इस बात को रेलवे ही मानता है। कॉन्ट्रैक्ट पे चाहे जो भी काम कर ले, लेकिन छोटा मोटा काम करेगा, मेन काम जो है वो सरकारी कर्मचारी ही करेंगे। अब देखिए आप लोगों के लिए इतना बात है, काफी है, काफी मैंने 10 12 15 मिनट मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक चली भी गए हूँ, लेकिन जो भी है इस वीडियो को लाइक करते जाइए और हमें बताइए कि हमने क्या चीज़ और बताना चाहिए था, और आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आप मोटिवेट हो पाए वाकई में, क्योंकि मेरा मोटिवेशन का ये सबसे पहला वीडियो था, और जब हमने चैनल को स्टार्ट किया था तब हम सोचे कि मोटिवेशन वाला ही वीडियो बनाएंगे, और लेकिन फिर मैंने सोचा कि स्टूडेंट की जो समस्या है उस समस्या को दूर किया जाए, जिस तरह से हम बन पाए लोगों को पाइल, उस तरह से और भी स्टूडेंट को बनाया जाए लोगों को पाइल, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को हम बना भी चुके हैं, अब से हम पढ़ाना छोड़ भी दें तब भी हमें कोई गम नहीं होगा अपने लाइफ के लिए, क्योंकि हमने हज़ारों को लोगों को पाइल बना दिए हैं, और थैंक यू सो मच। लेकिन एक एक बैच हम और देखेंगे, उसका फिर हम अपने मिशन में लग जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में।